हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो आज हम फिर से साइट पे आए हैं अपने प्यारे प्यारे इंजीनियरों के साथ। और हमारे सर लोगों की आज क्लास नहीं थी। ठीक है, क्लास आज आप लोगों की छुट्टी क्या थी? छुट्टी। तो फिर क्यों आए हो? सीखने के लिए चला आया सर। आज इनकी छुट्टी थी पर मैं यहाँ आया साइट पे, मैंने देखा कि यहाँ स्लैब बन रहा, तो हमें लगा कुछ ना कुछ इनको सिखाया जाए। और बस एक मैंने आइडिया डाल दी और एक सब दौड़े चले आए। तो इनके साथ ही साथ आपको भी मैं सिखाने वाला हूँ, अहम मुद्दे में बात करेंगे क्योंकि घर सभी बनवाता है। और आप यदि अभी न्यू इंजीनियर हो, आप साइट पे जा रहे हो इनके जैसे हो और आपको भी नहीं समझ में आता, किसी ने बोला जाओ बाबू स्लैब चेक करके आ जाना, अब हमको पता ही नहीं स्लैब में क्या चेक करना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ स्लैब पूरा बंधा हुआ, अब इस स्लैब तो बंधा हुआ है पर साइड में जाने के बाद स्लैब डलवाना होगा। कल क्या होगी इसकी ढलाई? ढलाई होगी। ढलाई के पहले हमको चेक करना पड़ेगा ना एज इंजीनियर, कुछ ना कुछ तो क्या चेक करना होगा। यदि आप घर बनवा रहे हो अपना पर्सनल, तो क्या क्या चेक करना, ठेकेदार साहब क्या क्या बदमाशी हमारे कर सकते हैं या क्या क्या मिस्टेक हो सकती है साइड में, कैसे चेक करेंगे। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग नोटबुक निकाल लें, एक प्यारी सी पेन निकाल लें और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। इसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। तो चलिए चलते हैं, टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने मुद्दे को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शटरिंग से। पॉइंट डालो, सबसे पहले शटरिंग, क्या डालो? शटरिंग। तो एज ए इंजीनियर हमको शटरिंग में क्या क्या चेक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं खड़ा हूँ प्लाई के ऊपर, प्लाई के नीचे प्रॉप्स लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे, पर यदि ये प्रॉप्स फेल हो जाए तो क्या होगा, पूरी कंक्रीट चली जाएगी, बर्बाद हो गई। तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉप्स। तो प्रॉप्स में क्या क्या चेक करेंगे कि भाई प्रॉप्स पूरे 90 डिग्री में लगा है कि नहीं लगा है। ऐसा को नहीं है प्रॉप्स जो लगा है वो इंक्लाइंड लगा है, ये भी हमको चेक करना होता है इंजीनियर, क्योंकि इंक्लाइंड लगा रहेगा तो भी फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ कई लोग ना प्रॉप्स में को ज्वाइंट करके लगा देते हैं, क्या करके लगाते हैं, ज्वाइंट करके, ऐसा ना करवाएं। अब जब आप प्रॉप्स के लिए बल्लियाँ लेने जाते हो, प्रॉप्स लेने जाते हो मार्केट से, तो आप उससे प्योर मेजरमेंट का प्रॉप्स लो। अब लोग क्या करते हैं, छोटे प्रॉप्स लाते हैं और फिर नीचे क्या कर देते हैं, ईंटें लगा देते हैं, ब्रिक लगा देते हैं, और जब लोड आता है तो क्या हो जाता है, ब्रिक टूट जाती है और हमारा स्लैब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये चीज़ हो गया। इसके साथ अपन आके यहाँ साइड में, हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरु जी के साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। सबसे पहले चेक करना होता है साइड। अब इस साइड होती है ना चारों तरफ, पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ साइड चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम लेंगे थ्रेड और यहां से और डायरेक्ट इंड तक जहां तक बीम लगी है वहां तक क्या करेंगे, थ्रेड लगा देंगे। देखो थ्रेड यदि इनर फेस में लगा रहे हैं तो इनर होना चाहिए, आउटर में लगा रहे हैं तो आउटर होना चाहिए। मान लो इनर फ्रेट में मैंने क्या लगाया, एक थ्रेड लगाया, तो चेक करें कि ऐसा तो नहीं है सेटिंग अंदर बाहर भाग रही है। तो एक थ्रेड के हिसाब से हमको क्या करना, इसको मिलाना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका प्रॉपर अलाइनमेंट चेक करेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करना होगा, अब देखना ये जो सपोर्ट दिए है क्या है, आप लोग बताएं क्या नाम है इसका, नेम बताएं सब लोग जितने लोग हमें देख रहे हैं। ये सपोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, टाई रॉड बोलते हैं। बहुत शानदार। ये टाई रॉड क्यों दिया है, इसलिए दिया है ताकि जब इसमें वाइब्रेशन करेंगे कंक्रीट करेंगे ये भाग ना जाए, ठीक है ना। ये ऊपर तो सपोर्ट का सहारा हो गया, पर नीचे के लिए क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे सिकंजा। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे नीचे, हम सिकंजा। इस बीम के नीचे हम क्या लगा देंगे, सिकंजा लगा देंगे, ताकि जब हम वाइब्रेटर लगाएं तो नीचे से भी क्या ना हो, फेल ना हो। ऊपर तो फेल होने के बचाने के लिए मैंने लगा लिया, पर नीचे भी लगाते हैं, ये भी चेक कर लिए। इसके बाद सबसे अहम चीज़ क्या होता है ना, कि इस बीम से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक बीम की जो स्पान होगी वो स्पान भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए। हम भी ये चेक करेंगे मेजरमेंट टेप से चारों तरफ चेक कर लिए। इसके साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ इधर देखना, बहुत जगह आपने कटआउट देखा होगा, क्या देखा होगा, कटआउट। आपने देखा कि सेटिंग में बीच में कटआउट हो गया, जिसको डक्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, OTS भी कई बार बोलते हैं, ओपन टू स्काई, है ना, उसी को हम डक्ट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कटआउट बोलते हैं। तो कई जगह कटआउट होती है पर हम इसे ऊपर पॉलीथीन सीट बिछा दिए, हमें पता ही नहीं रहता कटआउट कहाँ होना चाहिए। तो ये भी चेक कर लो एक्चुअल पोजीशन में कटआउट है कि नहीं है सेटिंग में। इसके बाद यदि आप पॉलीथीन सीट नहीं बिछाओगे तो क्या लगाओगे, प्लाई में डिसटरिंग ऑयल लगाओगे, ताकि जब हम कंक्रीट निकालें, जब हम सट्टी निकालें तो
अच्छे से निकल जाए और उसमें हनीकॉम भी ना आए, इसलिए हम लगाते हैं। देखो वो लगाया है डिसर्टनिंग ऑयल, लगाया कि प्रॉपर कि नहीं लगाया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं लोग कि चार दिन पहले ऑयल लगा के छोड़ देते हैं, ट्राई करो कि एक दिन पहले ही लगवाओ, ठीक है ना। इसके बाद सबसे बड़ी गलती यार, टेप बहुत शानदार। अब क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने पॉलीथीन सीट बिछा दिया, इनमें गैप नहीं दिख रहा, पर जब हम मेरी पॉलीथीन सीट नहीं बिछाएंगे तो क्या होगा, शटरिंग के बीच में क्या दिखेगा भाई, जहाँ प्लाई प्लाई ऐड होगा तो गैप रहेगा ना वहाँ। अब गैप से क्या होगा, सिलरी लीक होगी, और सिलरी लीक होगी क्या हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए देखो सेलो टेप लगा दो, पर इन्होंने पॉलीथीन सीट बिछाया है तो सेलो टेप लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ हमने चेक कर लिया। इसके साथ ही साथ जो छूट गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या पार्ट हमने छूट गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता कुछ भूल गया हो। अब बात करते हैं सरिये की, क्या बात करते हैं सरिये की। तो सबसे पहले आते हैं आँख बंद करके, हम कहाँ आएंगे, कॉलम के पास, कहाँ आएंगे कॉलम के पास, कॉलम के पास। इसको देखो ये रिंग लगाया भाई साहब के, नहीं लगाया, इसको बोलते हैं जंसर रिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर रिंग। अब कई बार लोग क्या करते हैं, ये रिंग लगाते हैं और इसके ऊपर भी एक रिंग लगा देते हैं, जितनी रिंग लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा है, पूछो क्यों। जब हम स्लैब डालेंगे ना सरिया भागेगी नहीं, और सरिया नहीं भागेगी क्या फायदा होगा, यदि सरिया भाग गई तो क्या होगा कि जब ऊपर हम कॉलम डलवाएंगे तो स्टार्टर लगवाएंगे तो क्या स्टार्टर में कवर मिल पाएगा, यदि मान लो सरिया इधर भाग गई तो क्या प्रॉपर कवर मिल पाएगा, हो सकता है स्टार्टर आए ही ना, तो हम क्या करते हैं फिर सरिया को मुड़वा देते हैं, जिसको जॉगल बोलते हैं, जैकल बोलते हैं, वो मरवाना बहुत गलत है। अब बहुत लोग बोलोगे सर रिवायरिंग भी तो कराते हैं, भाई रिवायरिंग भी तो गलत है, ट्राई करो ये रिंग बदलवा लो हर कॉलम में, देखो इस कॉलम में भी रिंग लगी है, इसमें देखना यहाँ भी रिंग लगी है, उस कॉलम में भी देखना वो रिंग लगी है, तो देखो हर कॉलम में इन्होंने रिंग लगाया है कि नहीं लगाया। इसके बाद जो दूसरी बदमाशी हम लोग करते हैं साइड पे, क्या करते हैं इसको बोलते हैं चेयर बार, क्या बोलते हैं, कई लोग इसको घोड़ी से नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं घोड़ी, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम होता है। ये चेयर बार क्यों लगाते हैं, जितने लोग हमें देख रहे हो बताओ यार चेयर बार क्यों लगाते हैं, ये चेयर बार लगाते हैं कि जो नीचे वाली मेस है और जो ऊपर वाली मेस है आपस में चिपक ना जाए, यदि चिपक जाएगी क्या होगा, बीच में एग्रीगेट नहीं घुस पाएगा, कंक्रीट नहीं घुस पाएगा, और क्या हो जाएगा, हनी कॉम हो जाएगा। लिख लो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मिनिमम डाया आप चेयर बार एज पर IS कोड 12 mm का होना चाहिए, कितना 12 mm का, ये जो चेयर बार है मिनिमम 12 mm की तो लगी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सरिया में लगा रहा हूँ 16 mm की और चेयर बार 12 mm की लगा दूँ क्या, नहीं, यदि सरिया का डाया बड़ा है तो चेयर बार बड़ी होगी, पर मिनिमम क्या बोलूँ 12 mm। अब इन दो चेयर बार के बीच की स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 square meter ना कि 1 meter, मतलब एक चेयर बार यहाँ लगाया तो दूसरी 1 meter में लगा होना चाहिए। अब इन लोगों ने बढ़िया काम किया, देखो पास पास चेयर बार लगा दिए, यदि इतना पास है बहुत बढ़िया, पर यदि दूर दूर है ऐसा नहीं है कि एक चेयर यहाँ लगाए एक लंदन में लगा दिए, मिनिमम 1 square meter में एक चेयर बार तो लगी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी जो 90% हमारे ठेकेदार साहब बदमाशी करते हैं, जो कि साइड में अच्छा खासा काम हुआ है, एक कवर ब्लॉक नहीं लगाते, और लगाते पता क्या करते हैं, उनसे बोलो कि यार क्या होगा, बोलेंगे सर टेंशन वाली बात नहीं, सरिया उठा देंगे जब कंक्रीटिंग करेंगे और नीचे कंक्रीट डाल देंगे। क्या ग्रेड क्या होना चाहिए, जो कंक्रीट हम डाल रहे हैं उसके ग्रेड के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे M20 की कंक्रीटिंग करा रहे हैं तो ये तो M20 का हो या तो M25 का हो। तो कवर ब्लॉक, एक कवर ब्लॉक इसका काम क्या होता है, मान लो एक कवर ब्लॉक नहीं लगाया तो क्या होगा, ये सरिया चिपक जाएगी सेटिंग में, और जब हम सेटिंग खोलेंगे सरिया दिखेगी, अब जब सरिया दिखेगी तो सरिया में करेंगे प्लास्टर छुपाने के लिए, तो क्या होगा उनमें जंग लगेगा, पानी आएगा और पूरा स्लैब बर्बाद कर देगा। तो कुछ कवर ब्लॉक का पैसा बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बिल्डिंग की तबाही कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, यदि आप अपना घर बनवा रहे हो तो कवर ब्लॉक लगा लो, थोड़ा पैसा लग जाएगा 1000-2000, पर अपनी बिल्डिंग सही सलामत बनेगी, क्योंकि हम सालों साल की कमाई लगाते हैं बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो थोड़ी की चीज़ों में बदमाशी नहीं करेंगे। 1 square meter में 4 से 5 कवर ब्लॉक हमको लगाना ही लगाना है। आप लोग नोट डाउन करो यार, नोट डाउन, यदि स्लैब में ले रहे हैं तो जो एक कवर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे 20 mm, पर यदि कॉलम में होगा तो कवर कितना लगाएंगे 40 mm का, यदि फुटिंग में होगा तो एक कवर कितने का लगाएंगे 50 mm का, और यदि छज्जा में होगा तो आप लोग बताओ कितना लगाएंगे, यदि पाइल में होगा तो आप लोग बताओ, जितने लोग देख रहे हो कितना होगा पाइल में, तुम देख रहे हो क्या वीडियो, वो देख रहे हैं, इनको बताने दो। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज, 1 way 2 way स्लैब में पहली राड कहाँ पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, मेन बार बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो शॉर्टर स्पान में पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ये स्लैब देखना। आप लोग बताओ, आप लोग जितने लोग हमें देख रहे हो, हेलो, ये बड़ा वाला स्पान है कि ये वाली बड़ी वाली स्पान है, ये लॉन्गर है कि ये लॉन्गर है, ये लॉन्गर है और ये कौन सा है शॉर्टर है। तो पहली बार कहाँ पड़ी होनी चाहिए, तो पहली बार कहाँ पड़ी है, मतलब इन्होंने बढ़िया काम किया है, पहली बार हमेशा किस में डाल देते हैं, शॉर्टर स्पान में, ताकि वो लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट
कर पाए, क्योंकि पहले जो लोड आता है ना वो शॉर्टर स्पान के थ्रू ट्रबल करता है ना, इसलिए हम क्या डालते हैं पहली बार शॉर्टर स्पान में। इसके बाद सबसे बड़ी बदमाशी जो करते हैं लोग, इधर देख लेना, अब देखो इधर क्रैंक तो नहीं है पर साइडों में देखना, एक बार क्रैंक जाती है दूसरी फ्लैट जाती है, क्रैंक जाती है फ्लैट जाती है। देखो स्लैब कई टाइप के बांधे जाते हैं साइड पे, बहुत जगह बेंटअप बार देते हैं, दोनों तरफ क्रैंक देते हैं, बहुत जगह अल्टरनेट क्रैंक देते हैं, और बहुत जगह ऐसे भी बांधा जाता है डबल मेस। यहाँ क्या बांधा गया? डबल मेस बांधा गया। ज़्यादा अच्छा तो ये है पर पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो हम क्रैंक करते हैं ना उस क्रैंक का कोई मतलब नहीं था, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्वांटम फ्लेक्चर, क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा पर इसमें लोहा भी ज़्यादा लगेगा है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही खीर मीठी होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये देख लो लोग क्या करते हैं ना कि ये टॉप एक्स्ट्रा डालना भूल जाते हैं सरिया बचाने के चक्कर में, और क्या हो जाता है हमारा स्लेब हो जाता है फेल। तो ये भी देख लो प्रॉपर टॉप एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं। अब आगे क्या चेक करेंगे, ये देखो स्पेसिंग चेक करेंगे, इधर देखना सब लोग, ये जो मेन बार है इन दो मेन बार की स्पेसिंग प्रॉपर है कि नहीं एज पर ड्राइंग। तो इस ड्राइंग में 150 थी, हमने ड्राइंग देखा था, तो ऐसे नहीं चेक करते कि ये 150 मिल रहा है, फिर ये भी 150 मिल रहा है, ये भी, ऐसे में तो जिंदगी कट जाएगी मेरी। तो हम कैसे चेक करते हैं फिर, स्पान डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस वन, ठीक है। तो हम स्पान ले लिए कितना 1500, अब 1500 में एक की स्पेसिंग कितनी है 150, तो 1500 डिवाइड बाई 150 प्लस वन कितना हुआ 11 बार। देखो वहाँ से लग रही है, एक बार काउंट करके दिखाओ, 1 2 8 9 10 11। बहुत शानदार तरीके से ठेकेदार काम कर रहे हैं, बदमाशी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम कराना, ठीक है ना। इसके साथ और क्या चेक करना हमको, इसको बोलते हैं एल, इधर समझ लेना सब लोग, इधर आना प्लीज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। अब बहुत ठेकेदार साहब एल देते ही नहीं है, क्या नहीं करते एल नहीं देते, अब क्या होगा, इधर आओ कोई हमारे पास आओ, कैमरा मैन इधर दिखाएं, जैसे सुशांत खड़े सर है, सर भागो अभी, अभी क्या हो गया ये, भागो अबे भागो ना, ये देखो भाग गए, पर इसको मैं ऐसे पकड़ लूँ, भागो आप, भाग रहा क्या, नहीं नहीं भाग रहा, ऐसे ही होता है जब इसमें हम एल मारते हैं ना, तो जब कोई लोड आता है ना तो वो फेल नहीं होता, उधर बहुत ज़्यादा खड़े ना होना नहीं तुम फेल हो जाओगे है ना, तो ये फेल नहीं होता, ये चीज़ हमको ध्यान देना होता है, इसलिए एल मरवाओ। एल कितना मरवाना होता है मिनिमम, सब लोग नोट डाउन करो, सब लोग नोट डाउन करो, कितना मिनिमम 300 तो हमको एल मरवाना ही होता है। इसके बाद यदि मैं इसमें बात करूँ बीम में, तो बीम का हुक अल्टरनेट होना चाहिए, ट्राई करो 135 डिग्री में बेंडो, देखो दोनों हुक एक जैसे कर दिया, हमेशा अगल बगल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर इधर, क्योंकि जब लोड आएगा ना तो खुलेगा नहीं, ये भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो टॉप एक्स्ट्रा लगाया प्रॉपर L/3 L/4 में लगाया कि नहीं लगाया, चलो मेजर कर लेते हैं स्लैब, स्लैब कितने का है देखो कैसे मेजर करते हैं, उधर हम क्लियर स्पान में लगाएंगे, वो मैं क्लियर स्पान में लगाया, इधर लगाया और उधर से लगाओ साइड से, ये देखो यार ये देखना, वहाँ से हमने लगाया साइड से और यहाँ तक लगाया है, और देखना प्रॉपर 4 मीटर मिल रहा है। अब 4 मीटर के L/3 कितना होना चाहिए 1.33, तो देखो 1.33 मिल रहा कि नहीं, तो कैसे मेजर करेंगे यहाँ से देखो, ये देखना यहाँ से लेके कितना होना चाहिए, देखो 1.33 प्रॉपर मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब इन्होंने काम बढ़िया किया है। तो ये देख लो टॉप एक्स्ट्रा की प्रॉपर लेंथ चारों तरफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। कई बार आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, एक चीज़ देखा होगा सब लोगों ने कि हम स्लैब डलवा देते हैं और पता चला ऊपर जो राड दिख रही है वो कितनी दिख रही है, इतनी दिख रही है 1 फीट, अब इसमें लैप ही नहीं हो पा रहा, देखो भाई साहब ये जुआड़ की यहाँ से लैप करके पहले निकाल दिए, तो देखो राड आपकी छोटी पड़ रही है, आपने गलती कर दिया तो गलती को छुपाना भी है, देखो राड जो है पहले ही बढ़ा दो ताकि स्लैब डलवाने के बाद तुमको दिक्कत ना हो, मान लो राड नहीं डलवाओगे पहले तो क्या होगा, फिर ये छोटी पड़ जाएगी, फिर डील कराओगे फिर बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही सरिया क्या कर दो बढ़वा दो आप, ठीक है ना, जो इन्होंने बढ़वाया है, ठीक है। इसके बाद इसमें बताने वाला था यहाँ कवर, इधर देखो कई लोग क्या करते हैं ना, इधर समझ लो तुम, कई लोग क्या करते हैं इस सरिया को शटरिंग से चिपका देते हैं, क्या करते हैं शटरिंग से चिपका देते हैं, बहुत साइडों में ऐसा होता है, ये भी एक मिस्टेक होती है साइडों की, ये भी देख लो शटरिंग में ये चिपकी तो नहीं है, क्योंकि शटरिंग से चिपकी रहेगी और ये जब शटरिंग खुलेगी सरिया बाहर दिखेगी और सरिया में लगेगा जंग और हमारी बिल्डिंग की हो जाएगी तबाही, इसलिए ये भी हमको चेक करना होता है। यदि एक सरिया में जंग लगा तो ये छुआछूत की बीमारी होती है ना, जैसे जुखाम हमको है और तुम हमारे साथ 2 दिन रहे तो तुमको भी जुखाम हो जाएगी, ऐसी बीमारी है कि यदि सरिया में एक जगह जंग लगा तो पूरी सरिया क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिल्डिंग जहाँ 80 साल चलने वाली थी वो चलेगी 40 साल। अब ये बीम में देखो प्रॉपर टॉप एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं लगाया है ना, ये देखो इसको बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा, कितने लोग इसमें नहीं लगा, ये देखना चलो किधर देखना, ये टॉप एक्स्ट्रा देखो प्रॉपर टॉप एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं लगाया, इसको बोलते हैं स्पेसर बार, क्या बोलते हैं, क्या काम होता है स्पेसर बार का, इसका फंक्शन होता है कि यदि मैं स्पेसर बार नहीं लगाऊंगा
मिनिमम स्पेशल बार कितने डालते हैं? 25 mm 25 mm क्यों डालते हैं? क्योंकि भाई जो हम एग्रीगेट गिट्टी यूज कर रहे हैं वो 10 से 20 mm की कर रहे हैं। यदि मैं स्पेशल 20 mm का डाल दूं या 10 mm का, क्या यहाँ से एग्रीगेट पास होगा? अब वाइब्रेटर जो यूज करते हैं कितने की यूज करते हैं? 25 mm का। क्या यहाँ से वाइब्रेटर पास होगा? नहीं होगा। इसलिए ना आपको मिनिमम 25 mm की स्पेशल बार तो रखनी ही रखनी है। ए भी मिस्टेक देख लो, बहुत लोग क्या करते हैं इसको बांध देते हैं सट्टू, वो गलत है। इसके बाद देखो कंड्यूट पाइप कि जो इलेक्ट्रिक के हो गया, प्लम्बिंग के पाइप अपनी जगह में है कि नहीं लगे हैं, फैन बॉक्स प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, कंड्यूट के पाइप प्रॉपर लगा। इसमें होती है ड्राइंग मिलती है, क्या कौन सी ड्राइंग होती है किसी को पता है क्या? MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग, इसको क्या बोलते हैं? MEP। आपके पास मिलेगा MEP ड्राइंग, उस MEP ड्राइंग के हिसाब से देखोगे प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। अब एक चीज और होता है बीच में ना, कई बार हम स्लीव डालते हैं, क्या डालते हैं समझते हो स्लीव से क्या होता है? एक पाइप डाल देते हैं, कई बार ना हमको यहाँ से क्या होता है, हमको वायर निकालना होता है, तो हम क्या डालते हैं बीच में एक पाइप डालते हैं ताकि इजिली बाहर निकाल पाए। तो ये देख लो प्रॉपर है कि नहीं। और सबसे जरूरी काम तो मैंने बताया ही नहीं है, सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं लेवल। क्या चेक करते हैं? लेवल। ऑटो लेवल लगा के एक जगह किसी को रिफरेंस मान के पूरा स्लैब का हम क्या करेंगे? लेवल चेक करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि भाई जो एक कंक्रीटिंग करवाने वाले उनके पास वाइब्रेटर वगैरह पड़ा है कि नहीं, पता चला चूहा खा लिया, और पड़ा भी है तो चल ही नहीं गा, तो पहले ही वाइब्रेटर की व्यवस्था बनवा लो। स्लैब में 25 mm का नियल का वाइब्रेटर यूज करते हैं, ठीक है ना, ये चीज आप चेक कर लो वाइब्रेटर। इसके बाद यदि आपको कल स्लैब डलवाना है तो स्लैब यहाँ चेक कर लो, इसके बाद जाओ कहाँ जाओ RMC में, कंक्रीट कहाँ से बनवानी है? हैंड मिक्स अलाउ नहीं है, तो हम RMC मंगाएंगे। देखो पूरा मटेरियल पड़ा है कि नहीं पड़ा है, है ना, जगलेटर की व्यवस्था है कि नहीं, ऐसा नहीं कि स्लैब डल रहा है और बाद में बोला भाई पानी अपन चुक गया लाइट चली गई, तो देख लो ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि ये स्लैब डलने लगा ना तो रुकता नहीं है, पूरा स्लैब खत्म होता है तभी रुकता है। एक चीज और देखना आप लोग, ये ना देखो ये डलवाने से पहले इसको बदबाओ बाइंडिंग वाले से, देखो ये निकल रही है, देखना ये इसको बदबाओ वहाँ प्रॉपर, देखो उठ रही है ना। हाँ, अब जब ना आप स्लैब डलवाते हो, स्लैब डलवाते समय आपके पास एक इलेक्ट्रिकल का बंदा होना चाहिए और एक प्लम्बिंग का हो, इलेक्ट्रिकल को एक बार बाइंडर होना चाहिए, क्योंकि जब हम सरिया में कंक्रीट डालते हैं ना सरिया कई बार उठ जाती है, जो पाइप होते हैं ना कई बार पाइप टूट जाती है, इसलिए जब आदमी चलेंगे तो लोड की वजह से उठ जाएगा ना, उठ जाएगा है ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ वहाँ बदवाना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ इनको बदवाना चाहिए ताकि उठे ना, ठीक है, क्योंकि ये लोग पंप के थ्रू कंक्रीट करा रहे हैं। इन्होंने नीचे तो कवर ब्लॉक लगाया है पर साइड में कवर ब्लॉक नहीं लगाया, एक कवर ब्लॉक आपको दिखवाना है क्योंकि एक कवर ब्लॉक दिखेगा, ये देखो यहाँ कितना कवर मिल रहा, यहाँ देखना कवर ही नहीं है, है ना, तो देखना कवर ब्लॉक, ये देखो पूरी चिपक गई है, बीम में 25 mm को होना चाहिए, देखो पूरा चिपकी हुई है, ये देखो रॉड पूरी चिपकी हुई है ना, तो ये चीज आपको देखना है, ये भी आपको नोटिस करना है कि सरिया चिपक ना जाए। यदि आप लोग को कोई डाउट रहेगा उसे किसी भी पार्ट में, कोई डाउट है किसी और पार्ट में वीडियो चाहिए, जाओ कमेंट बॉक्स में आप करो कमेंट, पूरी वीडियो लेके आओ। इसके साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो पर लाइक नहीं किया, अकेले अकेले देख रहे हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ आप लोग बदमाश होते जा रहे हो, सब्सक्राइब तो कर ले रहे हो पर घंटी नहीं दबा रहे हो, घंटी दबाओ क्योंकि वो लाल कलर हमको पसंद नहीं है, थोड़ो थोड़ो मरोड़ो आपकी मर्जी। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करो ताकि अपने पास ज्ञान न रखो, बांटो यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी ऐसी ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप क्वेरीज दे सकते हैं। स्लोगन हो जाए क्या पैरा सर? बिल्कुल सर, करना खास तो चलो हमारे साथ, करना खास चलो हमारे साथ, गुरु जी के साथ। सो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत माता।